ये मैडम स्कूटी चलाने के लिए तैयार हो गई है। हमें पता नहीं कि किस रास्ते से जाना है, बट हम नीचे वाला रास्ता चुन रहे हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। और सबसे बड़ी फैन यहाँ जितनी खुशी। हेलो गाइस, मुझे भूल गए। हेलो, मैं भी सब्सक्राइबर हूँ। दोनों दीदी की लड़की है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यूट्यूब पर। हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और अभी मैं अपने दमदेवल मार्केट में हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी को रामनवमी और नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। अंजू ने अपने व्रतों की शांति करवाई ना, तो मेरे तो नहीं थे फास्ट, अंजू के थे, और तो सुबह से उसी में बिजी हो रखे थे। और अभी हम जा रहे हैं मालकोट गाँव। आपने सुना होगा मालकोट गाँव, जो चौबट्टा खाल के आसपास रहते हैं या फिर हमारे क्षेत्र में रहते हैं जितने भी लोग, तो मालकोट गांव जानते होंगे। वैसे गढ़वाली में मलखट बोलते हैं उसको, क्योंकि वहाँ नाना जी का भागवत है। तो हम लोगों को ही जाना पड़ रहा है, मुझे और अंजू को। पहले कल जाने वाले थे, लेकिन आज अंजू ने अपने व्रतों की शांति करवानी थी ना, तो इसलिए आज ही जा रहे हैं। कल जाने वाले थे पहले। तो हमें भेजने सोनू आ रहा है, हमारा भाई, और यहाँ से कुछ हम सामान ले रहे थे ना, फ्रूट वगैरह, तो यहाँ से जाएंगे हम। सोनू ने तो अपना हेलमेट लगाया था, हम ऐसे क्योंकि हम सुबह से तो फास्ट था। अंजू का कॉल आ गई, कॉल आ गई। सुबह से अंजू का फास्ट था, तो मतलब 10:30 बजे वो आकार था, और मतलब उसके बाद हमने कुछ नहीं खाया, भूख लग गई। 1:30 बजे गए ना, तो वही जाकर खाएंगे। अभी हम दाता दार में पहुंच चुके हैं और यहाँ से जाएंगे हम नीचे। चल सोनू, चल ठीक से फिर। बहुत बहुत धन्यवाद। जरा सकल तो दिखा दे पूरी। चल ठीक है, उसने खाना भी नहीं खाया हमारे चक्कर में। हमने कहा बोला पहले हमें छोड़ाओ, आराम से दे रहे। ओके, हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो गई। आज मैं पहली बार मालकोट गाँव जा रही हूँ। हमें पता भी नहीं रास्ता कि किधर जाना है। वैसे हमें मतलब चौपट्टा खाल होते हुए जाना था, लेकिन दिक्कत ये हो रही ना कि हमने एक तो देर में जा रहे हैं, और अभी तो कुछ मिलेगा भी नहीं वहाँ जाने के लिए, और यहाँ से हम शॉर्ट कट जाएंगे मतलब गांव के रास्ते। कोई डर तो नहीं इसमें? ना 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 ना, बखरा वाला सड़क है, सीधा सड़क में पहुँच रहा मैं। हाँ, इधर से जाना पड़ेगा, मैं ये वाला रास्ता है जो ये नीचे है जो रास्ता, इधर से जाना पड़ेगा गाँव के। गाँव रास्ता है, गाँव का रास्ता बड़ी दाँत रास्ता बड़े जाने के, मतलब उन्हें जाना, पर उन्हें जंगल तो नहीं जा। जंगल सी नहीं, जंगल तो ना भाई ना। अच्छा अच्छा, लाटू आ तो आ गया, आ गया ले आया भाई। कन भगाड़ी छ तू स्कूटी, ओए मैं देखो, ओए ओए बताया तो भागे, मैं तेरे को बोल दिया था, मैं बोल दिया था कि मैं बोल जान चल बोल जान। जा जा जा, आप सही तो यहां पर सामान अपन मेरा तो चल। हां तो तेरे सोन भी नहीं पे रहे, मैं ले आऊं, मैं कम एक बार साथ। चल ठीक है, चल आराम से जा, ठीक है, रो रो के जा। ये तो खींचो ने, ये तो बैग, तुम तो एक सामान भी नहीं भूली, कुछ भी नहीं आई। चले कि खाली ना, मैं बैग भरू, मतलब आई नहीं ना, हवा बुरी ना मामा, हवा बुरी जा, नाइट्रोजन हो गई। तो चलिए अभी चलते हैं, और ये देखिए धूप तो आपको दिख रही होगी कितनी भयंकर वाली लग रही है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम भागवत में जा रहे हैं, और भागवत दादी के चाचा जी का भागवत है, और पापा तो किसी कारणवश जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पापा ने कहा कि तुम लोग ही जाओ, है ना,
क्योंकि सबसे मिल हाँ और इतना लंबा चौड़ा रिश्ता है, हमें जाना पड़ रहा है। मतलब दादी भी दिल्ली गई है दीदी के साथ और पापा भी नहीं आ पा रहे हैं, तो पापा ने कहा तुम दोनों ही जाओ। और यहाँ दाथा गांव में दादी का मायका भी है और दादाजी है ना, जो हमारे दादाजी, दादाजी की बहन को बुड्ढी बोलते हैं, तो बुड्ढी का ससुराल भी यही है। तो काफ़ी रिश्ते नाते हैं हमारे यहाँ दाथा गाँव में। हाँ, और अभी हम मालकोट गांव में जा रहे हैं। मालकोट गांव दाथा गांव से नीचे है थोड़ा सा, मतलब पड़ोसी गांव है ना, ज़्यादा दूर नहीं है। तो हमें देखो है तो दादी का मायका दाथा में, लेकिन जैसे हमारे सगे सारे ताली चले गए थे, वैसे ही दादी के जो चाचा जी थे वो मालकोट गांव चले गए थे, तो मतलब वो वहीं शिफ्ट हो गए, वो वहीं रह गए और फिर उन्होंने वहीं घर बना दिया। तो अब हम वहीं जा रहे हैं। रास्ता देखिए पहले यार, मुझे लगता है हमें नीचे ही जाना, पता है क्यों? हाँ। ये रास्ता सीधे रोड समझ नहीं आएगा। हाँ नहीं, मुझे पता है ऐसे होगा। देखो हम ऊपर तो समझ नहीं आ रहा, ऊपर जाने की नीचे जाना है। देख अगर हम ऊपर जाएंगे, सुनना, हाँ अगर हम ऊपर जाएंगे तो वो खेतों के लिए होगा, अगर हम नीचे जाएंगे तो ये सड़क के लिए आएगा रास्ता। तो अंजू बोल रही है कि नीचे वाले रास्ते से जाना है, हमें पता नहीं कि किस रास्ते से जाना है, बट हम नीचे वाला रास्ता चुन रहे हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है, कहाँ पहुँचते हैं। ये रास्ता तो बड़ा खतरनाक है, एकदम सुनसान। देखो वैसे भी अनजान जगह पर, अगर अनजान रास्ते पर जाओ तो और भी ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि हम पहले कभी आए ही नहीं यहाँ। हमारे सामने फिर दो रास्ते, फिर कन्फ्यूज़न किस रास्ते से जाना, लेकिन हम आगे बढ़ते जाएंगे और हमने इस रास्ते को चुन लिया। मम्मी कसम कुछ पता नहीं है कि कौन सा रास्ता है सच में। ये, 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 ये। हम अपने मतलब अंदाजा से लगा रहे, क्योंकि माल कने जो गाँव, क्योंकि वो दाथा के नीचे ना वो गाँव, तो इसलिए हम अंदाजा लगा कि इसलिए इधर ही होगा। सड़क तो मिल गई है भाई, क्योंकि ठीक इसके नीचे सड़क है, तो यही रास्ता है, घूम के वहाँ गया। तो मैं थैंक गॉड हम पहुंच गए हैं, हमें गांव मिल गया है, गांव मतलब दिखने लग गया यहां से। ये देखिए ये रहा मालकोट गांव, अभी इतना और जाना हमने। ये देखिए ये रहा, और सच में मतलब बहुत ही गंदा रास्ता है, बहुत ही ज्यादा। कहाँ जा रही पागल, इधर जाना है? अच्छा इधर जाना है। रास्ता तो बहुत ही ज्यादा गंदा था सच में यार, मतलब एक तो ऊबड़ खाबड़ और दूसरा बहुत ही ज़्यादा सुनसान, मतलब कई चीज़ों का डर हो सकता है। अब डरने की बात नहीं है, क्योंकि हम गांव में एंटर कर चुके हैं और अभी भी हमें पता नहीं है कि उनका घर कहाँ पर है, नाना जी लोगों का। हम जो आगे से जा रही है, फिर भी हम चलते जा रहे हैं, जहाँ भी हमें लाउड स्पीकर की आवाज़ सुनाई दे रही है वहीं जाएंगे। तो ये रहा मालकोट गाँव, और रास्ता देखिए फाइनली पहुंच चुके हैं हम मालकोट गांव में। ये लोग हमें रास्ता बता रहे हैं, हमें बताया नहीं था रास्ता, कहने जाना। अच्छा मम्मा चल नहीं, अच्छा अच्छा ठीक है। ये रहा यहाँ से, ये देखे दीदी मिल गई। हेलो नमस्ते, परिचय करा रहे। तो ये हमारी बुआ है, हमारे गांव की है दीदी, मतलब दीदी का ससुराल है यहाँ। लाटी रही आप दीदी, नवनीत किया, मनोहर किया, कुमार शरीर देखे हर कोई चले जाओ मोहित हो जाओ। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं और यहाँ बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है। आपका नाम क्या है? अच्छा दीदी की लड़की है। हेलो कैसे हो? हम बढ़िया, अच्छा। हमारे वीडियो पे तो ज्यादातर कौन लोग देखते हैं? हमारी दीदी लोग देखते हैं, क्योंकि उनको अपने मायका बहुत पसंद है ना। याद आ रहा है वीडियो देख के बिल्कुल सब कुछ डांडा उंडा और सबसे बड़ी फैन आ चुकी।
मुझे भूल गए। हेलो, मैं भी सब्सक्राइबर हूँ। दोनों दीदी की लड़की है, सब्सक्राइब है दोनों। मेरी लड़कियाँ है ना। चलो चलो, तुम्हें खाना खिलाएंगे। ठीक है ठीक है। क्या दिन पहुँचे, कबर पहुँचे? नमस्ते नमस्ते बाबा। दादी दिल्ली से ना, तो पापा टाइम नहीं लग पाए थे। पापा बात तो क्या है, मैं बोल के लेने आवला के लेने आ नहीं आ रहा हूं। मैं बोलो अच्छा अच्छा, ब्याह के लेने आ के सुन जाना। मेरे पास तो ना छोड़, कोई बात नहीं, बात से आया तो आ जाओ। आज पापा बना ले बाल जला ना करे, और पापा बाल के बाल जला ना करे। बहुत सुंदर लग रही दीदी। अरे तो बहुत बड़ी फैन है। मेरी मेरी बात में दिखाना, मेरी बात में दिखाना, बाद में बनूंगा। ठीक है ठीक है। कृष्णा बना करे। अच्छा आज वो है ना शादी, शादी आज। अच्छा देख ले, आगे ऊपर नहीं आ पाई दीदी। कोई नहीं, सब्सक्राइब करिए इनका चैनल। अभी हम खाना खाने जा रहे हैं। खाने का प्रबंध ऊपर कर रखा है, तो हम पहले खाना खाने जा रहे हैं, उसके बाद जाएंगे। कथा में पंडितों के लिए छत पे कर रखा है, और मेहमानों के लिए भी छत पे कर रखा है, पंडितों के लिए और गांव वालों के लिए इधर कर रखा है। और तुम दोनों को यहाँ पे बिठा के खिलाएंगे हम, बहुत ना सब बना रखी है। तो चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे खाना बना। भजन नमस्ते, भूख लगी हुई है। हाँ जी हाँ जी, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर आप थे। वीडियो कल लगी थी मेरी, ठीक लगी थी वीडियो। यहाँ पर सभी हमें जानते हैं YouTube के माध्यम से। तो खाना वगैरह हमने खा लिया है, और अब जिस काम के लिए आ रखे हैं वही जा रहे हैं, मतलब भागवत कथा सुनने। दीदी लोग भी तैयार हो गए हैं, चलो सुबह से तैयार हो रखे हैं। समय से ईश्वर के महेशा भगवान शिव, शेष माने नागराज, दिनेश माने सूर्या, गणेश माने गणों में प्रधान, ताहि निरंतर ध्याओ सब ध्यान करना चाहिए। ताहि अखंड अनंत अनादि अचेद अभेद सुभेद बतायो। ताहि अखंड अनंत, जो अखंड जो अनंत है, जिसका आदि नहीं है, जो वेदों का ज्ञाता है। तो कोना मन भी होता कि जो ये भगवान श्री कृष्ण जी को नाम होगा, जो कृष्ण भगवान जी को नाम लेगा, वो क्या था महेश माने महान है। अगजान बोला जी, जोर से बोलो, रखिए वृंदावन, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन मान।
की कथा भी समाप्त हो गई है। और ये मेरी बूबू है, बूबू मतलब दादी की चाची, और दादी से बात कर रहे हैं। देखो या खूब रंग आयो थे मैं कल का दिन वे गया मेरे बंडे दिन वे गई मेरी दादी बंडे दिन वे गई बाबा हम जिस रास्ते से आए ना अभी तो उस रास्ते से बूबू बता रही है कि बाघ का डर है बहुत ज्यादा है ना बूबू तो हमें तो किसी ने बताया कि इस रास्ते से जाना है हमें कुछ पता नहीं था कि किस रास्ते जाना ना तो हमें बाबा उन्हें जान चाहिए बे उन्हें कौन कने ये कौन कुछ कने आंसर अच्छा हमें पता ही नहीं सर कि कने जान अरे तब ये रे बाघ एक बाघ उन रेंज है ना एक बाघ ये वो या तो सुन रूल देखे तो पर लंगे तानी रहा तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर।